दरारें भरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, दरारें न भरी जाए, उसको नए सिरे से किया जाए। दरारें भरने से क्या होगा, एक जगह दरारें भर जाएंगी, दूसरी जगह से दबाव तो बनेगा ही पानी का, तो वो दूसरी जगह से दरार बना देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा उप्रेती। भारत में जब भी पर्यटन की बात होती है तो उत्तराखंड का नाम जरूर लिया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, और इसे देवों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। यहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं। यहाँ कई सालों पुरानी ऐसी चीजें हैं जिनका दीदार करने के लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, और यहाँ कि जो मनमोहक दृश्य है उनको भी देखते हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ भीमताल के विक्टोरिया डैम के पास। यहाँ आने का जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि जो भीमताल का विक्टोरिया डैम है उसमें दरारें बढ़ रही हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि 140 साल पुराना ये डैम है, और इस डैम में पड़ी दरारें के प्रशासन को नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जब हमने यहाँ का मौके का मुआयना लिया तब हमें पता चला कि कुछ जगह वो प्रशासन की ओर से प्लास्टर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ दरारें पड़ी हुई हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर भगवान ना करे डैम में दरार पड़ी, पानी का रिसाव हुआ, तो ये जो डैम का पानी है वो आसपास के क्षेत्र के साथ साथ हल्द्वानी शहर को भी तबाह कर देगा। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कब से ये समस्या बनी है, क्यों प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और अगर ये डैम में रिसाव ज़्यादा हुआ तो इसकी स्थिति क्या हो सकती है। तो अभी हमारे साथ इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, क्या प्रशासन यहाँ ध्यान दे रहा है। जो जगह जगह पे थोड़े थोड़े प्लास्टर किए गए हैं वो सब जगह क्यों नहीं किए गए, क्या लापरवाही है या फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अंकल हमारे साथ, नमस्कार, आपका नाम? जैसे कि सर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डैम है इसमें दरार आ रही है, हालांकि कुछ जगहों पर प्रशासन की ओर से प्लास्टर लगा दिया गया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी दरारें हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दरारें हैं, ऐसे ही होता रहता है। पहले भी दरारें बंद की हैं, मतलब वो मसाला ऐसा होता है बिल्कुल बेकार का, ठेकेदार से ऊपर तक प्रशासन तक सब सिस्टम वाली पैसा बढ़ता रहता है, काम ठेकेदार क्या करेगा। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे मटेरियल यूज हो रहा है वो एकदम सस्ती क्वालिटी का हो रहा है। हमारा डैम जो बना है अंग्रेजों को डैम का कहीं से कहीं तक एक इंच भर कहीं से कोई निकाल दे सब्बल से या ट्रेन से, मगर अब आजकल ये छह महीने के बाद वैसे भी जाता है, भ्रष्टाचार हो रहा है मामले, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, काम के मामले भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा। ये समस्या कितने सालों से बनी हुई है यहाँ पे? ये तो हमारा 30-35-40 साल से ऐसे चलता है, ऐसे ही हो रहा है अभी तक, और हम देखते आए हैं। ये दीवार बनी है 1800 में बनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1800, यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे बनी हुई है। उसके बाद जितनी है सब देखे पपड़ी निकलते जा रही है सीमेंट की, और डैम की स्थिति ऐसी होगी तो ये भयावह स्थिति आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर सर डैम से रिसाव हो रहा है, दरारें बढ़ रही हैं तो पानी का रिसाव हो रहा है, अगर भगवान ना करे कुछ होता है तो ये अपने साथ साथ हल्द्वानी शहर को भी पूरा तबाह कर देगा। आपके यहाँ लाल कुआं तक सब साफ हो जाएगा, बहुत पानी होगा। प्रशासन यहाँ पर आता है क्या कार्रवाई करने? आता होगा, हम कहा हम अपने तक सीमित रहते हैं, बाकी हमें पता नहीं चलता, जो स्थिति हमारी नजरें बताती है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम संजय प्रेती। कितने साल से सर यहाँ रहते हैं आप? मैं बचपन से आप मिल रही है। ये डैम की जो स्थिति है यहाँ इसमें दरारें पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? डैम की स्थिति तो है, इसके वजह से हमारा इधर गांव है डुमसरी गांव, इसमें भूस्खलन हुआ है और ये डैम का पानी वहाँ रिसाव हो रहा है बहुत ज़्यादा जगह जगह पे। अगर वहाँ अगर टाइम से अगर कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ भी फर्क पड़ेगा। ये जो दरारें हैं ये कितने समय से बनी हुई? ये दरारें तो दिखते रहती हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिखते रहती हैं और बंद होते रहती है। तो प्रशासन इसको बंद करने के लिए कुछ करता है? जैसे सर ने बताया था कि ये काम होता है लेकिन जो मटेरियल यूज होता है इसको करने में वो बहुत सस्ती या घटिया क्वालिटी का होता है। नहीं, अब प्रशासन भी अपना काम कर रहा है और दरारें हैं, बहुत पुराना टाइम हो चुका है इसलिए अब दरारें पड़ना भी जायज है, और इसके लिए इनको कुछ नया सोचना पड़ेगा।
जैसे सर देखिए आप, ये 140 साल पुराना डैम है, अब अगर यहाँ से पानी से रिसाव होता है तो ढुंसिल का आपने बताया, ढुंसिल समेत हल्द्वानी पूरा तब आ जाएगा, पूरा हल्द्वानी और आगे तक छोटे छोटे सारे गांव आ जाएंगे इसके लपेट। चलिए धन्यवाद सर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो डैम की स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश काल में हुई थी, सन 1880 में। 1980 में इस डैम को 100 साल हो गए थे जो इसकी उम्र थी। 100 साल से ज्यादा डैम ये नहीं चल सकता था, लेकिन अब 2022 चल रहा है, 140 साल हो गए हैं इसे, लेकिन अब जो स्थिति यहाँ पर है वो काफी डराने वाली है, क्योंकि पानी का रिसाव होगा, ढुंसिल गाँव समेत पूरा हल्द्वानी इसकी चपेट में आ सकता है और तबाह हो सकता है। प्रशासन कहाँ सो रहा है, लोगों से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि जो दरारें हैं उस पे लिपापोती तो होती है, लेकिन जो मटेरियल यूज होता है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है या प्रशासन लोगों की जान को लेकर सजग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो जो डैम, ये डैम है और इसकी जो दरारें हैं वो आप इस तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो दरार है वो किस तरह बढ़ रही है, और भगवान ना करे अगर ये कुछ ज़्यादा बढ़ी तो ये पूरा जो डैम है और जो ऊपर आप जो लोग देख रहे हैं वहाँ पे जो आवाजाही कर रहे हैं ये सब धराशाही हो जाएगा। हालांकि यहाँ के जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये रास्ता अभी प्रशासन ने बंद कर रखा है, यहाँ जाने की अभी अनुमति नहीं है, लेकिन पानी आप देखिए, ये डैम का पानी है और पानी आप देखिए कितने तेज बहाव में ये यहाँ पर आ रहा है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर डैम टूटा तो कितनी बड़ी त्रासदी यहाँ हो सकती है। एक बार फिर केदारनाथ जो आपदा आई थी, केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसकी याद ताजा हो सकती है, लेकिन इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि प्रशासन जागे, समय रहते इसका समाधान करे, क्योंकि ये जो स्थिति है वो काफी डराने वाली है और जगह जगह पे दरारे है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उधर भी शायद सीमेंट से लिपा पोती हो रखी है, लेकिन दरारे साफ देख सकते हैं। हालांकि आगे पेड़ आ रहा है, यहाँ जाने की अनुमति नहीं है, इस वजह से हम थोड़ी दूर से आपको ये जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। स्थिति इतनी भयानक है, अब भीमताल एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक रोज घूमने आते हैं, ऐसे में प्रशासन को क्या सजग नहीं होना चाहिए कि प्रशासन ऐसा ही लापरवाह बना रहेगा, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन पानी का आप बहाव देख सकते हैं, इतनी तेज यहाँ पे पानी आ रहा है, और जो आसपास के जो गांव है, ढुंसिल गांव, जैसे लोगों ने हमें बताया कि ढुंसिल गांव समेत पूरा हल्द्वानी इस तबाही की चपेट में आ सकता है। नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर बिजवासी है, मैं सेवानिवृत्त हूँ यहाँ पे ग्राम विकास विभाग से, और यहाँ नकुचियाताल क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे नौलाधारा जगह है, वहाँ का रहने वाला हूँ, यानी ये समझिए कि अब मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। भीमताल से हमारे बाजार भी है हमारी, और यहाँ की सारी जारी जो गतिविधियाँ हैं उससे मैं वाकिफ हूँ यहाँ पे। सर जैसे आपने बोला कि आप यहाँ के स्थानीय ही हो गए, नौकरचियाताल के आप रहने वाले हैं, ये डैम में दरारें पड़ रही हैं, और अगर भगवान ना चाहे ये पानी का रिसाव ज्यादा हुआ तो हल्द्वानी समेत यहाँ के जो ढुंसिल गाँव है ये सारे तबाह हो जाएंगे। नहीं, इसमें ऐसा है ना, यहाँ से जो खैरोला है, ऊपर ये बेरी जाला है, और नीचे डहरा है, उसके बाद रानी बाग है, उसके बाद आगे फिर वो कारदाम हल्द्वानी, और मैं समझता हूँ कि ये जो हल्द्वानी का भाबरी इलाका है ये सब इसकी चपेट में आ जाएगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा, इससे काफ़ी क्षति हो जाएगी। यहाँ के बुद्धिजीवियों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें लगभग 15-20 साल से लगातार शासन से प्रार्थना की है कि सब इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इसको सही किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई तो हुई नहीं इसमें। और हम, मैं वरिष्ठ नागरिक होने के साथ साथ यहाँ पर पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी का पदाधिकारी भी रहा हूँ, तो हम लोगों ने भी जिला प्रशासन से इसमें निवेदन किया कि साहब आगे भविष्य में होने वाले खतरे को भांपते हुए इसको ठीक किया जाए। और एक यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है ना, भीमताल तालाब का, तो अगर ये डैम टूट गया तो ये सौंदर्य भी इसका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। सर सौंदर्य तो पूरा खत्म ही होगा, लेकिन तबाही आप देख सकते हैं कितनी भयानक यहाँ पे तबाही होगी, आसपास के सारे जो जगह है वो सबको लेकर जाएगा। ऐसे में प्रशासन अपनी आंख नहीं खोल रहा है, सोया बैठा हुआ है, प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को चाहिए कि वो शीघ्र ही इसको में संज्ञान ले और ये इस जगह को का जीर्णोद्धार करे,
और जो भी तकनीकी खामियां हैं उनको दूर करे, क्योंकि ये तो लगभग 1902 के आसपास ये डैम बना था, उसमें सीमेंट का प्रयोग भी नहीं होता था। हमें जो हमारे बुजुर्गों से जानकारी मिली, उड़द होती थी, वो उड़द को पीस करके और चूना वगैरह ये मिला करके इसकी चिनाई की गई है। तो उस समय सीमेंट वगैरह में इतना चोर बाजारी नहीं होती थी, तो सही ढंग से बनाया, इतना टिक गया, ये बहुत ज़्यादा टिक गया है। सर, इसकी जो उम्र थी वो 100 साल थी जी, लेकिन अब इसकी उम्र हो चुकी है 140 साल। 140 साल हो गई है। अब ऐसे में प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने जब लोगों से बात करी, स्थानीय लोगों से यहाँ पे हमने बात करी, तो उन्होंने बताया दरारों को भरने के लिए घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है। नहीं, दरारें भरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, दरारें न भरी जाए, उसको नए सिरे से किया जाए। दरारें भरने से क्या होगा, एक जगह दरारें भर जाएंगी, दूसरी जगह से दबाव तो बनेगा ही पानी का, तो वो दूसरी जगह से दरार बना देंगे। तो इसलिए मेरी तो अपनी जो निजी राय है कि इसका पुनर्जीर्णोद्धार किया जाए, हाँ, इसको नए सिरे से बनाया जाए, जिस ढंग से भी बनता है उसको नए सिरे से बनाया जाए। चले, धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा, सर ने बताया कि इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब सिर्फ एक रास्ता है इसका जीर्णोद्धार होना। प्रशासन को चाहिए कि इसमें जो दरारें पड़ रही हैं उसमें लीपा पोती या फिर प्लास्टर ना करते हुए इसका जो काम है वो एक सिरे से शुरू किया जाए, क्योंकि 140 साल इस पुल को बने हुए हो गए हैं, ये जो डैम है इसको बने हुए हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर जो लोग हैं वो डर के साए में हैं और उस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो दरारें हैं उसको भरे नहीं बल्कि उसका जीर्णोद्धार किया जाए। तो देखा आपने, जेजेएन ने अपनी इस खास रिपोर्ट में आज आपको दिखाया कि विक्टोरिया डैम की हालत कितनी जर्जर हो रखी है, लोग कितने डर के साए में यहाँ जीने को मजबूर हैं। हमने आपको दिखाया, हमने ग्राउंड जीरो पर आपको यहाँ की तस्वीर दिखाई कि किस तरह की यहाँ पे हालात बने हुए हैं, लोग कितने डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जागा है। हालांकि यहाँ पर आकर जो दरारें पड़ी हुई थी, बहुत सालों से ये दरारें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन प्रशासन नहीं जागा है। कुछ दिन पहले प्रशासन यहाँ आया, उसने यहाँ पे प्लास्टर कराया, लेकिन जो यहाँ के मटेरियल यूज होता है करने में वो एकदम घटिया क्वालिटी का होता है, जो हमें लोगों के द्वारा बताया गया था। ऐसे में क्या सवाल ये है कि क्या सरकार की ओर से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या सरकार लोगों की जिंदगी के प्रति कोई सजग नहीं है, एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी आचार बख्श के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।